अर्पण किए आप लोगों ने, जो आज सफलता के झंडे गाड़े हैं, हम सब श्रेय उस भगवान को और आपकी हिम्मत को देते हैं जिन्होंने इतनी हिम्मत की, इतनी मेहनत की है। सबको बहुत आशीर्वाद। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा आपकी सफलता के लिए। जी जी, हम जो चाह रहे थे कि मैसेज जन जन तक पहुंचे और वो पहुंच रहा है, जो कंपनी जो चाह रही थी उनको वो भी पहुंच रहा है। वैसे तो आप फेस ऑफ द फिल्म है, लेकिन अपने अलावा और किससे आप ये क्रेडिट देना चाहेंगे फिल्म की सफलता के लिए? जी हम सबसे बड़ा श्रेय अगर किसको देना चाहते हैं वो है भगवान, जिसकी कृपा से ये सब कुछ संभव होता है। हमारे वहाँ तो हर चीज हम उन्हीं की कृपा से मानते हैं, तो हमारी अल्लाह गौर वाहिगुरु खुदा रब वो सब कुछ कर रहा है और सबसे बड़ा श्रेय उसी को। लोग आपको समाज सेवक मानते हैं, लेकिन आप अभिनेता बनने के लिए क्यों चुने, मतलब क्या रीजन था बेसिकली? जी लोग समाज सेवक कहते हैं, संत कहते हैं, अभिनेता भी सिर्फ समाज सेवा के लिए ही बने हैं, कोई अपने नाम के लिए नहीं। अच्छा, आपकी दोनों फिल्में सॉन्ग रोड क्लब में शामिल हुई है, तो तीसरा पार्ट भी आने की उम्मीद है? जी हाँ जी हाँ, पार्ट पता नहीं कितने आएंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे समाज से कोई बुराइयां दूर हो जाए और जब तक वो दूर नहीं होती हम लगे रहे। जो आगे आने वाला है उस पर हम एक साइंस का बहुत बड़ा पहलू भी उठाएंगे, पर ये नहीं पता उसका नंबर कौन सा होगा, कि वेद महासाइंस है, धर्म महासाइंस है। साइंस अभी तक ये नहीं पता कि मुर्गी पहले आएगी अंडा, हम उस फिल्म में ये भी बताएंगे और इतना डिटेलमेंट लेके आएंगे कि यूथ जो है वो दौड़ के आएगा कि हमने उसको जरूर देखना है। जैसे आप यहाँ की इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपका किस तरह का सपोर्ट है, बॉलीवुड में? फर्स्ट फिल्म के बाद में कुछ बात बनी नहीं थी, लोग पहचान नहीं रहे थे, बात हुई नहीं किसी से, लेकिन सेकंड मूवी के दरमियान पूरा बॉलीवुड हमारे साथ है। जो भी रिसर्जन मिले हैं यहाँ भी बहुत सारे आए हुए हैं और जो मिलते हैं सब कहते हैं गुरु जी हम आपके साथ हैं। आपकी ख्याति हर जगह है, लेकिन जब पंजाब हरियाणा की बात करें आपको पता है ड्रग्स की समस्या काफी है वहाँ, तो आप अपने तरफ से क्या करना चाहेंगे इसके लिए? जी हरियाणा में ड्रग तो काफी खात्मे पे पहुंच गया है, रही बात पंजाब की, तो पंजाब में मूवी भी चल पड़ी है और जो मुद्दा था वो भी खत्म हो गया है और अपने बच्चों को भी नशे से दूर करें। सब समाज सेवक अभिनेता, आप क्या राजनेता बनने के फिराक में हैं, क्या करना चाहते हैं बाकी करके? हम तो समाज सेवक हैं थे और सारी जिंदगी रहेंगे, और कुछ नहीं बनना चाहते। आप कह रहे हैं ऊपर ऊपर चल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि आप ऊपर आए, ऊपर हम भी आए हुए लोगों के दर्शन कर रहे हैं। I am a lucky boss. You are my love charger. You are the 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 love charger. Okay, okay. जी बंसफोर कौन सा? धूमधाम से, बड़ी धूमधाम से, बड़ी धूमधाम से मनाया रे, बड़ी धूमधाम से, बड़ी धूमधाम से लगनी है शराब, लगनी है कबाब, पीके इश्क की शराब, बड़ी धूमधाम से, बड़ी बड़ी धूमधाम से।
वो मुस्कुराहट है, इनकी मेहनत दिन रात इन्होंने जो हिम्मत की है वो सबके सामने आ रही है। और अभी पंजाब में तो अभी शुरू हुई है दो दिन, आज दूसरा दिन है, और इटली में एक तारीख से, इटली में अभी शुरू है, एक तारीख से पूरी दुनिया में वो लॉन्च होने वाली है, तमिल तेलुगु में भी और इंग्लिश जो कि यूएसए की भाषा है उसी में डब की गई है, यूके की शायद, तो वहाँ भी बहुत डिमांड है। तो ईश्वर देखो क्या कहते हैं, उनकी मर्जी, देखना आप लोगों ने है और आपको अच्छी लग रही है। हमने देखा है मुंबई में कई जगह हम गए हैं और वहाँ बिल्कुल नए इधर के मुंबई के लोग होते हैं, ये नहीं कि जैसे पिछली बार बोला था कि गुरुजी आपके लोग आ गए, नहीं, इस बार हमने देखा बहुत ज्यादा वो लोग थे जो गुरु मंत्र जिन्होंने हमसे नहीं लिया हुआ था, अगर सिंधी भाषा में कहें बहुत ज्यादा, तो हमें बड़ी खुशी है कि हर कोई उसे देख रहा है और इंजॉय कर रहा है। तो ये सब सब लोगों की मेहनत है, ये गुरु मेंबर जितना भी यहाँ खड़ा है और ईश्वर की कृपा है, दोनों बात। थैंक यू वेरी मच। बाबा राम रहीम की बहुत बड़ी फैन हूँ और मैंने पार्ट वन भी देखा था, पार्ट टू भी देखा है, मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ही, आप उनसे कोई भी सवाल आप कीजिए बहुत ही पॉजिटिव आंसर होता है और उनकी फिल्म में कुछ न कुछ मैसेज होता है, बहुत सारा मैसेज होता है लोगों के लिए। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ बाबा की। आप भी खबरों में बने रहती हैं, बाबा भी खबरों में बने रहते हैं, बहुत कॉमन सी बात है, खबरों में बने रहना जरूरी है आपको लगता है ग्लैमर इंडस्ट्री के लिए? डेफिनेटली अगर बाबा जी मुझे नेक्स्ट फिल्म में कास्ट करेंगे तो डेफिनेटली मैं काम करूंगी, बट बाबा की जो फिल्म होती है वो हटके होती है, बहुत ही हटके होती है और बहुत अलग फिल्म होती है, वो बिल्कुल सच्चाई पे वो अपने शिष्यों को लेकर फिल्म बनाते हैं और बहुत बहुत बड़ी बात है कि कम बजट में फिल्म 100 करोड़ से भी ज्यादा मतलब खानों को टक्कर दे रही है बाबा की फिल्म में। आपकी बात करते हैं, आपकी फिल्म आ रही है जूली, रानी मुखर्जी का बोल, मैंने बाबा से आशीर्वाद लिया है एक कहानी जूली के लिए, जो हमारे हीरो है यहाँ पे, अभी आशीर्वाद लिया है कि बाबा आपकी जैसे मेरी फिल्म भी हिट हो जाए। लेकिन राखी ये पूछना चाहूंगा, महेश भट्ट भी सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने वाले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी मुझे लगता है महेश भट्ट जी जो है वो डर के कदम पीछे ले लिया है और
जूली सिर्फ इंद्रानी पर मैं ही बनाऊंगी, अब तो मुझे बाबा जी का आशीर्वाद भी मिल गया है, बस, तो बहुत हो गया। बस इतना काफी है।